Just a minute. So in diabit cross, we have taken two characters here. One is seed color, another is seed shape. और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी समझाया जो तुमको अभी समझ में आएगा. मैंने क्या बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेट ऑफ द मतलब ऑफ द अदर. कैसे समझ में आएगा, एक मिनट रुक जाओ. तो मैंने बोला था कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या क्या है यहाँ पे, येल्लो कलर सीड और राउंड शेप होना. मतलब मैंने एक प्लांट ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दिस इज अ राउंड सीडेड येल्लो कलर. मतलब येल्लो कलर का सीड है और राउंड शेप का प्लांट है. तो मतलब उसका जो सीड है उसका शेप राउंड है, डोमिनेंट कैरेक्टर है. मतलब ये मेरा मोटा मोटे तौर पे ये कहना है. और इसका रिसेसिव क्या था, रिंकल्ड जो कि स्मॉल आर है और ग्रीन स्मॉल वाई गैमिट क्या आएगा इससे, गैमिट क्या आएगा इससे, इससे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई. और कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं. कैपिटल आर, दो कैपिटल आर से एक कैपिटल आर आ गया, दो कैपिटल वाई से एक कैपिटल वाई आ गया. यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट, स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब ये गैमिट का फ्यूजन होगा, गैमिट का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड. कौन डोमिनेंट है, राउंड. तो बनेगा क्या, राउंड. कैपिटल वाई क्या है, येल्लो. स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन. कौन डोमिनेंट है, येल्लो. तो ये राउंड येल्लो बनेगा. जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी डोमिनेंट पेरेंट के जैसा बनता था F1 जेनरेशन, ये भी डोमिनेंट पेरेंट के जैसा बन रहा है. F1 जेनरेशन डोमिनेंट वाला इसके जैसा बन रहा है, ठीक है. ये भी तो राउंड येल्लो ही है फिनोटाइपिकली, ये राउंड येल्लो ही है, ये रिंकल्ड ग्रीन है. बन किसके जैसा रहेगा, आइदर ऑफ द पेरेंट, राइट, राउंड येल्लो बनता है यहाँ पे. अब मजेदार खेलिए, इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं सेल्फिंग. इसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बीच में क्रॉस करेंगे. तो देखो जब सेल्फिंग करेंगे, ये आता है मजेदार खेल, जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे अब तुमको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आएगा. कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई इट विल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अभी गैमिट क्या क्या है देखो, तो इनसे गैमिट्स क्या क्या पॉसिबल बन सकता है. व्हाट आर द पॉसिबल गैमिट्स इफ यू सी, देखो भाई इसमें देखो तो ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. और ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें. फिर जब ये स्मॉल आर की बात करूं तो ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर कैन कम विथ कैपिटल वाई एज वेल. एंड स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो हमको देखो कितना गैमिट मिल गया, एक दो तीन चार, ये चार पॉसिबल गैमिट्स है. कैपिटल आर के पास दो ऑप्शन है, कैपिटल वाई के साथ भी वो गैमिट में आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, चलो आ गया. स्मॉल आर के पास दो ऑप्शन है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, हो गया. तो मैंने क्या कहा था कि द सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. क्या कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा था क्या, कि मैं कैपिटल हूं तू मेरे कैपिटल के साथ आ, मैं स्मॉल हूं तू स्मॉल के साथ आ, ऐसा तो नहीं था बिल्कुल. इट वॉज टोटली इंडिपेंडेंट. कैपिटल आर अपना इंडिपेंडेंसी वो आजाद था ये चूज करने के लिए कि मैं कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाऊ या स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बनाऊ, उसका उसका मर्जी. और बन सकता है भाई, हम लोग को जीनोटाइप से ही पता चल रहा है. इस जीनोटाइप को देखो ना, क्यों नहीं बन सकता. इस जीनोटाइप को अगर तुम गौर से देखोगे, कैपिटल आर और एक तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसमें हमको दो ऑप्शन है. फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई उसमें भी दो ऑप्शन है. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है. यही पॉसिबल गैमिट से गैमिट वाला कॉम्पोजिशन है. तो हमारा जो ये वाला प्लांट है ये चार टाइप का गैमिट बनाएगा. और ये वाला प्लांट जो ये भी सेम ही तो बनाएगा, ये अलग थोड़ी है, ये भी तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम ही है. तो ये भी सेम टाइप का गैमिट ही बनाएगा, ये अलग तो कुछ बनाने वाला है नहीं. तो हम लोग अब वही पनेट स्क्वायर का यूज करके ही अभी डायहाइब्रिड क्रॉस का पूरा स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, उसी को सॉल्व करेंगे. तो आप लोगों को ध्यान से उसी को देखना है, नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज था. कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैं एक तरफ फादर का लिखता हूँ एक तरफ मदर का लिखता हूँ. चलो मैं टेबल अच्छे से बना देता हूँ. यहाँ पे मान लो
मेल फ्लावर का लिख रहा हूं मैं ऊपर की तरफ और नीचे में फीमेल फ्लावर का लिख रहा हूं। क्या क्या ऑप्शन था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम चीज इज मदर ऑल्सो, वही था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, दीज आर द पॉसिबल गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, सही। चलो अब हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग बनाते हैं, ब्लू कलर यूज करके बनाता हूं मैं। देखो अब क्या होगा, इधर में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मेरे साथ साथ बनाओगे एग्जाम तक याद रहेगा, मेरे साथ साथ नहीं बनाओगे तो बाद में भूल जाओगे, फिर तुमको टफ लगेगा, मेरे साथ साथ बनाओगे आज याद हो जाएगा एग्जाम तक याद रहेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक बा। फिर इसका देखो सेकंड रो में आते, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, सही बात है। चलो कैपिटल आर नेक्स्ट में आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, चलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नो प्रॉब्लम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, चलो बहुत बढ़िया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये हमको मिल गया सारे ऑफस्प्रिंग्स का, ये F2 जनरेशन का सारा F2 का ऑफस्प्रिंग सारा का सारा हमको मिल गया। अब चलो तो हम लोग इसका फिनोटाइप देखते हैं क्या क्या फिनोटाइप बनता है, फिनोटाइप क्या क्या बनता है। ये हो गया तुम्हारा राउंड येल्लो, राउंड येल्लो, ये भी हो गया तुम्हारा राउंड येल्लो, चलो राउंड येल्लो, वाई से मैं येल्लो को डिनोट कर, तुम लोग पूरा लिखना हा? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई लिख रहा हूं, इसको गैमिट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, तुम लोग पूरा लिख रहे यहाँ पे, ये हो गया राउंड येल्लो, ऐसा लिखना, समझ रहे हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन में जगह नहीं है, समझ रहे हो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो राउंड होगा, कैपिटल वाई तो येल्लो ही होगा भाई, येल्लो ही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर राउंड है स्मॉल आर रिंकल्ड है, कौन डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई क्या है बच्चों, कैपिटल वाई क्या है, येल्लो है, स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है, कौन डोमिनेंट है, येल्लो, तो येल्लो हो जाएगा राउंड येल्लो। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर तो राउंड हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई येल्लो होता है स्मॉल वाई ग्रीन होता है, तो कौन डोमिनेंट है, येल्लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर क्या होता है, राउंड होता है, स्मॉल वाई अब तो कैपिटल वाई है नहीं तो क्या हम लोग येल्लो लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो क्या होगा ये स्मॉल वाई क्या होता है, ग्रीन हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर है, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल आर डोमिनेंट है तो राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर येल्लो, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई येल्लो, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येल्लो, डोमिनेंट रिसेसिव का बाद आ गया, स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल आर होता तो राउंड होता, स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर दोनों क्या होता है, राउंड का उल्टा क्या होता है, रिंकल्ड, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब येल्लो, रिंकल्ड येल्लो है, तुम लोग पूरा लिखना, डब्ल्यू वाई मत लिखना, रिंकल्ड येल्लो लिखना, फिर कंफ्यूज रहोगे सर आप क्या लिखा रहे हो, जी कहां से आ गया, तुम लोग सोचोगे फिर गैमिट लिख दिया मैंने, तो इसलिए पूरा लिखना तुम लोग, रिंकल्ड येल्लो,
फिर स्मॉलर स्मॉलर, फिर रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो ही होगा बिकॉज स्मॉल वाई तो रिसेसिव है. ओके नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हो गया राउंड. कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ फिर कैपिटल वाई क्या होता है डोमिनेंट, स्मॉल वाई क्या होता है रिसेसिव, येलो. कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन राउंड बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट. स्मॉल वाई अगर कैपिटल वाई होता तो येलो होता, लेकिन कैपिटल वाई तो है नहीं, दोनों ही स्मॉल है तो राउंड ग्रीन हो जाएगा. अगेन दिस इज स्मॉल आर स्मॉल आर डेट मीन्स रिंकल्ड, एंड दिस इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन येलो, रिंकल्ड येलो. स्मॉल आर इज रिंकल्ड, स्मॉल वाई दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर तो रिंकल्ड ग्रीन. तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो गया राउंड येल्लो, 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 राउंड येल्लो. कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ राउंड येल्लो हमारे पास है. और क्या क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तीन राउंड ग्रीन है हमारे पास. कितना राउंड ग्रीन है, तीन राउंड ग्रीन है हमारे पास. और क्या क्या है, रिंकल्ड येल्लो एक, रिंकल्ड येल्लो दो, रिंकल्ड येल्लो तीन, तीन रिंकल्ड येल्लो है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंकल्ड ग्रीन एक है, एक हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है. तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, राउंड येल्लो नौ, तीन राउंड ग्रीन, तीन रिंकल्ड येल्लो और एक रिंकल्ड ग्रीन, 9:3:3:1. दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो बच्चों, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इज राउंड येल्लो नौ मिला, राउंड ग्रीन तीन मिला, रिंकल्ड येल्लो तीन मिला, रिंकल्ड ग्रीन एक मिला. सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 9:3:3:1. ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये टेबल बनाना खुद को आना चाहिए, खुद को समझ समझ के करना है, बहुत केयरफुली करना होगा. तुम्हारे बोर्ड्स में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो तुमको टेबल बनाना पड़ेगा डायहाइब्रिड क्रॉस पे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया और उस पर गलती होने का चांसेस बहुत होता है. तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द टेबल, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद प्रैक्टिस. इफ यू ड्रॉ द टेबल वंस और ट्वाइस देन हो जाएगा, ठीक है, समझ के अगर तुम लोग करते हो तो. रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला. चलो ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्रोमोसोमल. इसके पहले एक सेकेंड चलो ये करा दिया मैंने, हाँ करा दिया. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. व्हाट इज दिस, क्या है ये बताता हूं, पहले दिया किसने वो जान लो. इट इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट सटन एंड बोवरी, सटन एंड बोवरी. ओके सटन एंड बोवरी, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बिफोर आई गेट इन टू दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. लेट मी टेल यू समथिंग कि देखो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल ने, ठीक है, मेंडलिज्म जस्ट खत्म हुआ है. तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 7 years. पूरा जो ये डेटा वेटा कलेक्शन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एवरीथिंग ही डन इट इन 7 years, दैट इज 1856 से लेकर के 1863 तक. और मेंडल ने 1865 को अपना पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है,
1865 में उसने अपना पेपर पब्लिश किया, 1900 तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, नो रिकॉग्निशन। वो मर गया 1885 को, ही डाइड, बट नो रिकॉग्निशन। बिकॉज मैंने बताया भी था लास्ट क्लास, जिसने जिसने अटेंड किया उसको मालूम है कि मेंडल को क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला। मैंने पूरा मंडल का चिट्ठा खोला था, पूरा कहानी बताया था उसका, ठीक है, पूरा कहानी बताया था मैंने मेंडल का। 1900 में तीन साइंटिस्ट इंडिविजुअली उन्होंने मेंडल के काम, मेंडल के वर्क के ऊपर रिसर्च किया, काम किया। दे वेर डी व्राइस, मैं बता रहा हूं, अलग अलग जगह पे काम किया। हाँ, 1900 के दौरान संजोग की बात है, वो लोग कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन वो लोग काम कर रहा था। 1900 में एक साइंटिस्ट था डी व्राइस ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड का था, आजकल हॉलैंड का नाम नेदरलैंड्स है शायद, पहले हॉलैंड बोलते थे उस कंट्री को। देन कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे, ये जर्मनी के थे। और एक बंदा क्या नाम था उसका, हाँ, वॉन चारमार्क, वॉन चारमार्क, ही बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इन द ईयर 1900 इन्होंने इंडिविजुअली मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे काम किया, और इन्होंने प्रूफ किया कि जो भी मेंडल ने बताया था वो बहुत हद तक सही बात बताया था। मेंडल का थ्योरी, मेंडल ने थ्योरी तो नहीं दिया, स्टैटिस्टिकल डेटा ही दिया था उन्होंने, लेकिन बताया कि मेंडल का फैक्टर वाला बात गलत नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, आप हमारा मतलब, इन्होंने इंडिविजुअली मेंडल के कामों को साबित किया। ओके, दे इंडिविजुअली वर्कड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड दे प्रूव दैट व्हाट मेंडल डिड वाज राइट, और मेंडल को नोबेल प्राइज मिला फिर। लेकिन जब तक नोबेल प्राइज मिलता मेंडल को, मर चुका था, मरने के बाद मिला, ठीक है। बहुत दुख की बात है, बट सच्चाई है, मेंडल का लाइफ का सच्चाई है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की, लोग तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारे जाने के बाद ही वो लोग रियलाइज करते हैं कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। बहुत समय, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत, मतलब क्या बोलूं, जैसे तुम जब बहुत बहुत चीजों में, यार मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि व्हेन दिस पर्सन, जो वो, जब वो पर्सन जिंदा है उस दौरान उसका इतना वैल्यू नहीं है, मरने के बाद उसका काम का वैल्यू पता चलता है, और तब जाके लोग रियलाइज करते हैं। और जब नोबेल प्राइज दिया होगा तब देते वक्त उन लोगों को लगा होगा कि काश उनको मैं जिंदा जिंदा रहते टाइम भी दे सकते। भारत रत्न देने के टाइम भी बहुत लोगों को भारत रत्न जो है उनके मरने के बाद मिला है, ठीक है, जो उनको जीते जी मिलना चाहिए था नहीं मिला, उनको मरने के बाद मिला है। बहुत लोग, बहुत लोग भारत रत्न भी, जो इंडिया का हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है आई थिंक, तो वो अवार्ड भी बहुत लोगों को मरने के बाद मिला है, दे नहीं पाया सडनली। जैसे कोई अगर प्लान भी कर रहा था कि ना नेक्स्ट ईयर उनको देंगे, से फॉर एग्जाम्पल उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है देश के लिए, इनको नेक्स्ट ईयर देंगे, लेकिन उसी दौरान उनका कुछ हार्ट अटैक हो गया, मर गया, कुछ भी हो सकता है, देर आर मेनी थिंग्स, राइट। तो दीज पीपल, दीज थ्री गाइज, दे इंडिपेंडेंटली वर्कड ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ओके, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या देखा, सटन एंड बोवरी के बात पे आते हैं अभी। सटन एंड बोवरी ने जीन्स और क्रोमोसोम जो है ना, वो जो है वो पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। मतलब जीन जो है वो पेयर्स में होकर करता है। हमको मालूम है ना, एलील इज द पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी, पेयर में होकर करता था, या कैपिटल टी या स्मॉल टी पेयर में होकर करता था, पेयर में था वो। क्रोमोसोम भी पेयर में होकर करता है भाई, क्रोमोसोम भी पेयर में होकर करता है। जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता था, क्रोमोसोम भी जाता है। बाद में एक्चुअली क्या पता चला, पता है, विद द एडवांसमेंट्स इन बायोलॉजी, जब हम लोग ने सेल के अंदर देखना भी शुरू कर दिया, तब जाकर के हम लोग को रियलाइज हुआ कि अच्छा बेटा, अच्छा क्रोमोसोम में ही जीन मौजूद है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ेंगे वैसे भी ये बात। क्रोमोसोम इज बेसिकली द वेहीकल, इट्स द कैरियर ऑफ जीन। जैसे मुझे ये कलम तुम्हारे घर में फेंकना है, तुम मेरे पड़ोसी हो। पहले साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि ये कलम जो है, ये मान लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मेरा पड़ोसी जो है, मान लो मेरा बच्चा है, और मेरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये कलम है,
मैं क्या करूंगा, ऐसा फेंक दूंगा, चला जाएगा मेरे से उसमें। लेकिन एक्चुअली बाद में पता चला कि ऐसे उड़ के नहीं जाता वो, एक बढ़िया से एक गाड़ी होगा, उस गाड़ी में वो बैठेगा जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा। दैट इज दिस गाड़ी इज नोन एज, दिस गाड़ी इज बेसिकली नोन एज क्रोमोसोम। समझ रहे हो, जीन्स क्रोमोसोम में होता है, जीन्स क्रोमोसोम में होता है, समझो। मतलब इसलिए पैरेलल बिहेवियर शो कर रहा था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। रिम जिम तुम्हारे लोग क्लास तो 9:30 पर हो, हाँ 9:30 तुम्हें 9:30 रही बदे, ओके। हाँ तो देखो ये क्रोमोसोम है, ये रहा जीन, फिर मान लो यहाँ पे एक जीन है ऐसे, ठीक है। एक जेनरेशन से दूसरे, देखो वन जेनरेशन से, मेंडल ने जीन नहीं बोला था, मेंडल ने फैक्टर बोला था, कोई बात नहीं। वन जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जाता है, वन जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जाता है, कैसे जाता है भाई, थ्रू क्रोमोसोम। ये वेहीकल के थ्रू जाएगा, इस वेहीकल के थ्रू जाएगा जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो दे शो पैरेलल बिहेवियर, यही कहना था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। एक्चुअली फैक्टर्स जो है वो डायरेक्टली नहीं जाके क्रोमोसोम के थ्रू जाता है, क्रोमोसोम में ही जीन मौजूद होता है, ठीक है, यही बात बताया गया था। चलो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि जीन्स एंड क्रोमोसोम सो पैरेलल पैरेलल बिहेवियर, जैसे कि जीन्स ऑकर इन पेयर, चाहो तो लिख लो, क्रोमोसोम्स ऑल्सो ऑकर इन पेयर, गैमिट है, गैमिट है, कौन पूछा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, अच्छा 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 ऐसा समझ। देखो गैमिट में, गैमिट में जीन आया हुआ है, बहुत जीन से, हम लोग ने कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला लिया था उस समय, जैसे उस समय वी आर फोकसिंग ऑन राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन को फोकस कर रहे थे ना, तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखो जीन्स में बहुत सारा है, और गैमिट में सिर्फ क्या एक ही जीन होता है, नहीं कई सारे होते हैं हमारे पास। देखो ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में समझो, समझ में आएगा। ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो मेरे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम में कई सारे हजारों जीन्स है, उन हजारों जीन्स में से एक जीन मैंने वहां पे दिखाया था कैपिटल आर स्मॉल वाई। वैसे पी प्लांट में भी कई सारे जीन्स होंगे, उसमें से एक था जो उस गैमिट में मौजूद था, समझ रहे हो। अंशुमन का उसमें कौन पूछा था, रोहन ने पूछा था, समझ रहे हो। दिस वॉज जस्ट वन, क्योंकि हम लोग को एक्सपेरिमेंट में वो लेना था ना, जीन में, हाँ गैमिट में एक जीन हम लोग ने लिया, वो दिखाया बस। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो भी पेयर में ऑकर करता है, क्रोमोसोम जो है इट ऑल्सो ऑकर्स इन पेयर, विच इज ए पैरेलल बिहेवियर, ठीक है। जीन्स में मैंने बोला था अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम में भी हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है। एक जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ठीक है। दिस कैन गो विथ आइदर दिस और दिस, दिस कैन गो विथ आइदर दिस और दिस, ओके, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स नॉट ए बिग डील। कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब ये तो थ्योरी था, कहने वाला बात था, अब एक्सपेरिमेंट है प्रूफ देने के लिए हमको नेक्स्ट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जो कि है लिंकेज, जिसको देने वाले बंदे का नाम था TH Morgan। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सब बातें प्रूफ की थी, और उन्होंने एक नया चीज भी समझाया है, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, दोनों चीजें समझाया उसने, क्रोमोसोम के लेवल पे जाके समझाया चीजों को, क्या होता है, जीन्स आपस में कैसे रहते हैं, पास रहते हैं, दूर रहते हैं, बहुत कुछ चीज उन्होंने, ये सब तो देखो जब मैंने पढ़ाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो तो थ्योरी कहने का बात है कि ऐसा ऐसा है, बाद में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, साइंस में तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ करने वाला बंदा था TH Morgan, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिंकेज का, तो हेडिंग डाल लेना लिंकेज, अब समझा रहा हूं मैं।
लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज में क्या था, टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टीएच मॉर्गन क्या होता है समझ में आएगा, रुको धीरे धीरे बता रहा हूं लिंकेज क्या है। पहले तो समझो कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था, टीएच मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, टीएच मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर किया था, मेंडल ने किया था पी प्लांट के ऊपर, टीएच मॉर्गन ने किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। फ्रूट फ्लाई को क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर इट्स द फ्रूट फ्लाई। इसके ऊपर लिंकेज का एक्सपेरिमेंट थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन साहब ने किया था। ओके अब देखो, जब मैंने मेंडल का पी प्लांट में समझाया था कि पी प्लांट को चूज करने का फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द एडवांटेज और व्हाई पी प्लांट वाज चूजन, व्हाट इज द एडवांटेज बिहाइंड टेकिंग पी प्लांट, उससे मेंडल को फायदा क्या पहुंच गया, सेम चीज तुमको ड्रोसोफिला के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाई ड्रोसोफिला वाज सिलेक्टेड, या फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग ड्रोसोफिला इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टीएच मॉर्गन, क्या फायदा हुआ ये एक्सपेरिमेंट में, कितना फायदेमंद कैसे साबित हुआ कि ड्रोसोफिला का यूज करके इजिली मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी कर दिया सब चीजें। देखो व्हाई ड्रोसोफिला, क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ड्रोसोफिला, दूसरे भी इंसेक्ट थे वो क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, ड्रोसोफिला ही क्यों लिया मॉर्गन ने, तो एडवांटेज ऑफ ड्रोसोफिला, taking drosophila in experiment, ठीक है अच्छे से लिखना है तो, what are the advantages, there are many advantages, एक तो उसका size काफी छोटा है, 2 millimeter का size का है, छोटा सा है, handle करना आसान होगा, experiment में छोटा सा चीज़ है, handle करना आसान होगा। दूसरा, इसमें सिर्फ 4 pair of chromosomes है, तो तुम खुद सोचो 4 pair of chromosome को पढ़ने में कितना time लगेगा, 8 chromosome total है, तो सिर्फ 4 pair of क्रोमोसोम है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सपेरिमेंट हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तीसरा, इसमें हमको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब बाहर से तुम देख करके बता सकते हो कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग बता सकते हैं फीमेल का ब्रेस्ट डेवलप होता है, फीमेल के चेहरे पे हेयर नहीं होता, ह्यूमन मेल का फेशियल हेयर होता है, ठीक है, मेल का शोल्डर ब्रॉड होता है, फीमेल का पेल्विक रीजन ब्रॉड होता है, ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग देख करके बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, वैसे ही ड्रोसोफिला में भी बाहर से हम लोग देख करके बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, फीमेल जो है वो साइज में बड़ा होता है, जो साइज में बड़ा वाला इंसेक्ट है जिसका साइज थोड़ा ज्यादा है वो क्या है वो फीमेल है, और जिसका साइज कम है वो मेल है, तो इजिली वी कैन आइडेंटिफाई, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विच इज अगेन गिविंग अस एन एडवांटेज, हम लोग के लिए एडवांटेज है। उसके बाद चौथा एडवांटेज, इट कैन बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, हम लोग लैब में आराम से इसका ग्रोथ करा सकते हैं, हम लोग इसको आराम से आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में इसका ग्रोथ करा सकते हैं, अगर ऐसा जानवर हुआ कि जो नेचुरल हैबिटेट में जिंदा रहे, लैब में जिंदा ना रहे, लैब में मर जाए, लैब में उसको ग्रो ही ना कर पाए तो प्रॉब्लमेटिक है, ड्रोसोफिला के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, तो ये एक और एडवांटेज था। उसके बाद पांचवा, मेनी ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे बच्चे मिलते थे तो बहुत सारा ऑफस्प्रिंग अगर मिल गया तो हम लोग के लिए स्टडी के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छा बात है, ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा तो हमको पता चलेगा अच्छा कैरेक्टर ऐसा जा रहा है कैरेक्टर वैसा जा रहा है, हमको वैसा अच्छे से पता चलेगा इफ वी हैव मोर ऑफस्प्रिंग्स मेनी ऑफस्प्रिंग्स। ओके इफ वी हैव मोर ऑफस्प्रिंग्स और मेनी ऑफस्प्रिंग्स वी कैन इजिली this is good for us, so that's why these are the 5 advantages of taking drosophila into experiments, theek hai। Now link gene ka matlab kya hota hai bachcho, link gene ka matlab kya hota hai, link gene ka matlab hota hai jo same chromosome mein present ho, suppose ye gene bana diya maine, theek hai gene bana diya maine, सपोज इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला और इसको मैंने डी बोला, ठीक है, तो सेम क्रोमोसोम में जो जीन्स मौजूद है ये ए बी सी डी, इनको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। लिंक का मतलब क्या है, रिलेशन एक दूसरे के साथ, तो सेम जगह पे मौजूद है, मेरा लिंक जैसे मेरे नेबर के साथ है ना,
मेरा नेबर का उसके नेक्स्ट घर के साथ ऐसा लिंक. तो बेसिकली लिंक जीन का मतलब है, तो लिखो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम. जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, दीज आर नोन एज लिंक्ड जीन्स. दीज आर नोन एज लिंक्ड जीन्स. ठीक है. अब तुम अगर गौर करोगे तो ए जीन जो है और बी जीन जो है ये पास पास है, सी जीन जो है और डी जीन जो है ये पास पास है. तो ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो बी ज्यादा ए के साथ लिंक है ना, मतलब पास है. मेरा जो इमीडिएट नेवर है वो मेरे साथ ज्यादा, मेरा और भी नेवर है उसका नेवर आगे आगे ऐसा 5-6-10 घर बाद वाला जो नेवर होगा वो मेरे से कम लिंक होगा. उसका घर में आग लगेगा तो मुझे बाद में पता चलेगा. मेरे पड़ोस में अगर आग लग गया तो मुझे पता चल जाएगा, मैं डायरेक्टली जाके उनका मदद कर सकता हूँ, मुझे दिख जाएगा वो चीज. सिमिलरली लिंकेज में भी कुछ जीन्स होता है जो कम्प्लीटली लिंक होता है, कुछ इनकम्प्लीटली लिंक होता है. सेम क्रोमोसोम में मौजूद है, सेम टाउन में मौजूद है, लेकिन दूरी थोड़ा ज्यादा अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लिंक्ड जीन्स इट कैन बी लाइक दिस. दिस इज सपोज द ए जीन, दूसरे कलर से मैं बी से बी बना देता. दिस इज सपोज द बी जीन्स. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द कंप्लीटली लिंक्ड. ओके, कंप्लीटली लिंक्ड. दूसरा कुछ ऐसा भी हो सकता है जो दूर दूर, जैसे कि ये मान लो सी है और ये डी है, ये क्या पूरा चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ? नहीं, ये तो दूर दूर है. तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स, इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स. तो यहां तक बच्चों क्लियर करो. नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और मॉर्गन ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया वो तुम लोगों को याद रखना है, वो मैं पढ़ाऊंगा. After doing Morgan's experiment, we'll go for chromosomal theory of linkage. What is the chromosomal theory of linkage? हम लोग ने पहले बोला chromosomal theory of inheritance. अब linkage के respect में समझेंगे. उसके बाद थोड़ा बहुत मैं chromosomal mapping के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि Morgan के student ने काम किया था. Morgan का एक student था Sturtevant. दिया है कि नहीं? दिया होगा NCERT में. मैं बताऊंगा. उधर में बताया गया है about the एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मॉर्गन. उसको ही आगे बढ़ा के उसने क्रोमोसोमल मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था. क्या है बताऊंगा सब, एवरीथिंग विल बी नोन. देन हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर, किस प्रकार से हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन इंसेक्ट में करते हैं, बर्ड्स में करते हैं, ओके, और ह्यूमन बींग्स में करते हैं. मेल हेट्रोगेमिटी क्या होता है, फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होता है. फिर हम लोग थोड़ा बहुत पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ेंगे. पेडिग्री एनालिसिस को उसका बेसिक्स देखेंगे, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है. और लास्ट में हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स, क्या हम लोग डिसऑर्डर्स क्या क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या है. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको हम लोग जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं. ओके, सो दोस वी विल टॉक अबाउट दोस डिजीजेस एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो क्रोमोसोम में डिफेक्ट्स होता है उसके कारण क्या क्या डिसऑर्डर्स बच्चों में हमको दिख सकता है और क्या 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 हमारे सिलेबस में, वो सब देख लेंगे. उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल मूव टू molecular basis of inheritance wala chapter, which is the second chapter in genetics. After doing the molecular chapter, we will move to evolution. Fir hamara ye unit khatam ho jayega. After the completion of this unit, hum log padhenge jo hamara zoology mein aur kya reh jayega, human health disease ho jayega. Uske baad strategies wala jo chapter hai, strategies wala chapter mein maine bataya tha zoology ka part animal husbandry, wo main padha dunga. Theek hai. बॉटनी का पार्ट बाद में हमको सितंबर में अगर हम लोग मिले एक साथ तो हम लोग बिल्कुल करेंगे. हम लोग का मेन टारगेट है कि जूलॉजी को पूरा खत्म करना है. ठीक है. वी नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 8-9 चैप्टर्स आउट ऑफ द 16 चैप्टर्स. इकोलॉजी वाला टॉपिक्स बॉटनी का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स बॉटनी का है, फिर स्ट्रेटेजीज में जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है वो बॉटनी का है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी बॉटनी वाला टीचर ही पढ़ाते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है. तो ये चैप्टर्स को छोड़ के बाकी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी मैं करा दूंगा. ठीक है. सो मोस्ट चैप्टर्स विल बी डन बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट. ओके, और तुम लोग का शेड्यूल भी यही रहने वाला है, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे. ठीक है. हर वीक को हम लोग एक 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 चैप्टर करेंगे. आराम से हम लोग 1-2 चैप्टर अगर करते रहे तो आराम से हमारा खत्म हो जाएगा, ऑगस्ट लास्ट तक आराम से खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का आज कौन सा डे, आज थर्सडे, सैटरडे को होने वाला है. ठीक है, सैटरडे को होगा. फिर वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे. और जिन लोगों ने रिवीजन बैच में एनरोलमेंट किया है वो लोग के साथ मेरा कल भी एक मीटिंग है,
कल के मीटिंग में मैं बताने वाला हूँ कि, और डेमो क्लास तो सबके लिए है बट बायोलॉजी वाला जो लोग है कोविड 19 के ऊपर क्लास लेने के पहले मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? तो वहां पे और जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो क्लास होगा, ये दो टॉपिक्स नीट ओरिएंटेड है, तो तुम लोगों के साथ इसके ऊपर कल एक मीटिंग होगा, तो आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, तो तुम लोग प्लीज ग्रुप में एक्टिव रहना, तब मीटिंग के रिलेटेड पता चलेगा। हम लोग तब और 30 मिनट्स का एक मीटिंग करके उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तुम लोग में से कई बच्चे हैं जो उसमें है, इसलिए मैं उनको स्पेशली उनको बता रहा हूँ, सो प्लीज अटेंड दैट, ओके? वो मीटिंग इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइस। ओके, नाउ यू गाइस कैन आस्क योर डाउट, वी हैव अराउंड 4 मिनट्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। और जो जिसको नहीं पूछना है वो बोल दो कि समझ में आया और दे कैन लीव, दे कैन लीव, इट्स ओके, आप जा सकते हो गया क्लास। तो यहाँ तक जिसको जिसको समझ में, एक बार बता दो बस कि समझ में आया और फिर आप लोग जा सकते हो, और जिनको कुछ पूछना है हमारे पास 3 मिनट जैसा है, आप पूछ सकते हो। ओके अंशुमन, देन यू कैन लीव। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके अभिजीत, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। विशाल मलिक, फाइन। ओके, आई डोंट थिंक यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग राइट हियर। चलो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डे आफ्टर टुमारो। ओके ओके टेरांग, ओके।